सुनील सजीदा मैजिक मोमेंट। आज हम बनाएंगे कच्चे मछली का सब्जी। तो चलिए कैसे बनाते हैं शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कच्चे मछली जो है उसको साफ़ कर लिया है। दो मीडियम साइज़ टमाटर, दो मीडियम साइज़, यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक टेबल स्पून एक टीस्पून फिश मसाला। यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में और प्याज जो है प्याज को ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे। उसके बाद टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद जो है मैं नमक डाल रही हूँ ताकि टमाटर और प्याज जो है जल्दी गल जाए। यहाँ पर मैंने सारा मसाला ऐड कर दिया है। अब इसको गैस के आंच को धीमी कर देंगे, लो फ्लेम में बिल्कुल थोड़े से पानी डालकर इसको पकाएंगे ताकि मसाला जो है जल ना जाए। इसको अच्छे से पकने देंगे, पानी डालकर और चलाएंगे। अच्छे से चलाने के बाद थोड़ी देर ढक के रख देंगे। 5 मिनट बाद ये देखिए जो तेल मसाले से तेल छूटना तेल निकल रहा है किनारे से, तब समझ जाइएगा आपका मसाला जो है वो रेडी है। अब इसमें हम लोग जो कच्चा मछली जो है उसको धीरे से डाल देंगे, अच्छे से डाल कर और हल्का हल्का हाथों से हिलाएंगे, नहीं मछली जो है पूरा फ्राई नहीं किया हुआ है टूट जाएगा। इसको ध्यान से इसको इधर से उधर करना पड़ेगा, एकदम हल्के हाथों से ध्यान से थोड़े इसको ढक करके 5 से 7 मिनट तक इसको पकने देंगे। ये देखिए हमारा जो मछली है कितना अच्छे से पक गया है। अब इसमें जो है तकरीबन एक गिलास पानी डाल देंगे। पानी डालकर इसको धीरे से चला लेंगे। मछली जो है एकदम धीरे से ध्यान से इसको पलटिएगा, नहीं तो टूट जाएगा एकदम। कच्चा मछली जो है इसको बहुत धीरे धीरे से इसको चलाना है। अब अच्छे से चलाकर इसको फिर से अब ढककर तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। पानी डालकर अच्छे से 10 मिनट तक पका लेंगे। अब देखिए 10 मिनट बाद जो है आपका सब्जी कैसा है। हमारा मछली फिश करी जो है आज का कच्चा फिश करी वो एकदम बन के तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छे से बन गया है। आप एक बार घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। अब मैं लास्ट में गार्निशिंग के लिए धनिया डाल दूंगी और आपको ये देखिए एकदम रेडी है गर्मा गर्म।